क्लासेस के लिए और ऑनलाइन एजुकेशन में सब्जेक्ट्स में एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड 6/13 / 22 / 3/2। तो 6/13 सेम आया, डिवाइड करना है इसलिए डिवाइड का साइन लगाया मैंने -3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करना है तो आपकी जो -3/2 है चेंज हो गए, नंबर पलट गए, 2/-3 हो गया। 3 से 6 को मैंने कट किया 2 टाइम्स तो 2 जा आपका आंसर होना 4। नीचे है आपका 13 13 - 1 हो गया आपका आंसर 13 यानी -4/13। क्वेश्चन नंबर 3 में ए नंबर आपका कंप्लीट। बी नंबर आप आगे दिए और नंबर अपनी बुक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको साइन चेंज करना है और अपना आंसर लिखना है। तो माइनस का साइन हो गया चेंज प्लस और आंसर हो गया 13। ओके क्वेश्चन नंबर 5 आपको नंबर निकालना है कि क्या आपको मल्टीप्लाई किया जाए -8/13 में नंबर के आंसर मेरे -16/13 है। मैंने इक्वेशन बनाई -8/13 × x = -16/13 है। इसको आप प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। 8/13 का आपने ट्रांसपोजिशन किया तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड को आप नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे -8/13 नंबर 5 होंगे। 13 से 39 कट गया 3 टाइम्स, 8 से 16 कटा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया आपने 2/3 आपका लास्ट में आंसर आ रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 सेम वही प्रोसेस है, पहले मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 10/13 3 का ट्रांसपोजिशन करना है, ट्रांसपोजिशन किया तो आंसर बना ये डिवाइड आपका -10/33 = -15/45 × x। बाकी आगे ट्रांसपोजिशन करने पे आपका आंसर बनना है -10/33 / -15/44। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 44/-15 आपका पीछे नंबर आएगा। 11 के टेबल से 33 जा रहा है आपका 3 टाइम्स और 44 जा रहा है 4 टाइम्स, 10 हो जा आपका आंसर बना